डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है संडे, संडे का डे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको हर रोज करंट अफेयर तो पढ़ाता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ करंट अफेयर का रिवीजन करवाना ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आप चीज़ें भूलने लगोगे। यानी क्या, मैं इस वीक में जो जितने भी आपको करंट अफेयर पढ़ा है उसमें से टोटल 30 करंट अफेयर मैं लेके आया हूँ, तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये करंट अफेयर की जो वीकली टेस्ट है इसे कैसे किस तरह कंडक्ट किया जाए। मैं जैसे क्वेश्चन रीड करूंगा, और यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे, तो जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप अपने माइंड में गेस करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिए, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आपको वीकली जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो उनमें से आपको कितना याद रहता है और कितना आपको समझता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या बना है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप जो पुराने वीडियो है जो फर्स्ट वीक के अप्रैल मंथ के, आप वो वीडियो देख लीजिए। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। किसे किया है बताइए, मैंने 4 ऑप्शन भी दे रखे, मैं आपको 2 या 3 सेकेंड का टाइम दूंगा, बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है मनु गुलाटी, यानी इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये कौन है मनु गुलाटी? मनु गुलाटी एक दिल्ली स्कूल की टीचर है, और इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत से अच्छे कार्य किए, इसीलिए इनको ये मार्था फेरेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। आई होप आप आंसर गेस कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना स्कोर बता रहे हैं। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर अजगांवकर को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये मनोहर अजगांवकर को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो बताइए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, आई होप आप आंसर भी साथ ही में गेस कर रहे होंगे। तो किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने हैं ये? तो ये चुने गए हैं गोवा के, यानी इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गांव दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है। कौन सा गाँव बना है दुनिया का सबसे ऊँचा मतदान केंद्र, बताइए। तो ये गांव बना है तासिंग, यानी इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभी आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये जो तासिंग गांव है, ये जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये सबसे ऊंचा गांव यानी ऊंचा मतदान केंद्र बना है। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी को। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में नमक की सबसे लंबी गुफा पाई गई है, बताइए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, तो ये कहाँ पे पाई गई है नमक की सबसे लंबी गुफा? तो ये पाई गई है इजराइल में, यानी इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 10 किलोमीटर, और ये कहाँ पे पाई गई है? इजराइल में। इजराइल के पास जो डेड सी है, मृत सागर है, उसी के पास ये गुफा पाई गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ विप्रो ने 5G और AI के क्षेत्र में समझौता किया है। तो किसके साथ किया है बताइए, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ये किसके साथ किया है? ये किया है IIT खड़गपुर के साथ, यानी इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। विप्रो ने समझौता किया है 5G यानी 5th जनरेशन, और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में IIT खड़गपुर के साथ ये समझौता किया है। किसने? विप्रो ने। क्लियर है, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो किस देश के साथ ये क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की है भारत ने, बताइए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर रहे होंगे और अपना जो जितना भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है बांग्लादेश, यानी इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिया में जो सुंदरबन है, सुंदरबन से जो ढाका है, वहाँ तक एक क्रूज सेवा तैयार की जाएगी। बेसिकली उससे क्या होगा, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो इंडिया आ सकेंगे आसानी से, और इंडिया के जो लोग हैं वो बांग्लादेश जा सकेंगे। ठीक है, क्लियर है,
तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में इंजोरी पहल की शुरुआत की गई। तो किस राज्य में इंजोरी पहल की शुरुआत की गई बताइए, मैंने चार ऑप्शन भी दे रखे। तो किस राज्य में की है, ये की है असम में, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंजोरी पहल क्या है, जो अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले उसी लोकसभा चुनाव के लिए जो लोग हैं उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, इसीलिए असम राज्य ने ये इंजोरी पहल की शुरुआत की है। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारा वीकली करंट अफेयर की टेस्ट का वीडियो है, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और आपको आंसर गेस करने हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया है। तो किसे नामित किया है बताइए, मैंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये नामित किया है अपने देश भारत को, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अभी 2019 का पेरिस में होने वाला जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वहाँ पे इंडिया को नामित किया है, और जो 2022 में जो होगा वहाँ पे वो जो इंडिया में होगा उसमें किसको यानी नामित किया जाएगा, वो नामित किया जाएगा फ्रांस को। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, किस राज्य ने मनाया है, ये मनाया है राजस्थान ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या था, 30 मार्च 1949 में, कब 30 मार्च 1949 में राजस्थान का गठन हुआ, तो उसी के उपलक्ष में 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया है बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, तो ये किसे सम्मानित किया है, ये किया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी जो 2019 में टोटल 30 लोगों को ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र जोशी, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अपने भारतीय मूल के, लेकिन ये अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता है। तो किसने जीता है बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने जीता है, लेकिन किसको हरा के जीता है, ये जीता है अपने देश भारत को हरा कर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे टेस्ला ने एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की है। तो कहाँ पे की है बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, तो ये कहाँ पे की है, ये की है जापान में, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो टेस्ला कंपनी है, यानी बेसिकली करती क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो उपकरण है वो बनाती है, और इसने जापान में अभी हाल ही में बिजली भंडारण प्रणाली विकसित की है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर यू वोट और कैंडिडेट कनेक्ट नामक विशिष्ट उपकरण किसने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे। आई होप कि आप ये क्वेश्चन के आंसर अपने माइंड में गेस कर रहे होंगे और साथ ही साथ आंसर बता रहे होंगे। ये किसने किया है, ये किसने उपकरण लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है फेसबुक ने, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो युवा है वो अपना वोट दे सके, और शेयर टू कैंडिडेट, कैंडिडेट कनेक्टिविटी क्या है, अपन जैसा अपना वोटिंग वगैरह करके आएंगे तो उसको शेयर वगैरह कर सकेंगे अपन, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप पे, फिर उसके बाद जो दूसरे जो युवा है या कोई भी है वो अपना वोटिंग वगैरह देने के लिए प्रोत्साहित हो सके। क्लियर है इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में सामाजिक संपर्क समाप्त करके कुछ वर्षों तक एकांत में जिंदगी बिताने को क्या कहते हैं। तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है हिकिकोमोरी। क्या है, हिकिकोमोरी, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जापान में हो क्या रहा है, जो 45 से 60 साल के बीच के जो लोग हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, यानी बेसिकली वो रहते कैसे, अकेले अकेले रहते, अपने ही धुन में खोए रहते, ऐसा लगता है कि किसी ने उनको हिप्नोटाइज किया है, तो यही है वो हिकिकोमोरी। तो ठीक है, क्लियर है, चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है उत्कल दिवस, उत्कल दिवस को ही ओडिशा दिवस भी कहा जाता है, और ये हर साल उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं और मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। तो कौन सा बना है सबसे, भारत का सबसे बड़ा तीसरा बैंक? तो ये बना है BOB, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा तो तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना है, लेकिन SBI ये पहले नंबर पे है, HDFC ये दूसरे नंबर पे है। बेसिकली हुआ क्या है कि 1 अप्रैल को ही विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ है, कहाँ पे? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुजान कैपुटोवा को किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो ये किस देश की बनी है जुजान कैपुटोवा? बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ये बनी है स्लोवाकिया की, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पहली महिला है जुजान कैपुटोवा जो स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी है। तो चलिए चलते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब जीता है? तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे, किसने जीता ये मियामी ओपन में अपना चौथा खिताब? तो ये जीता है रोजर फेडरर ने, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजर फेडरर ने जॉन इस्नर को हरा के ये अपना चौथा खिताब जीता है। ठीक है, क्लियर है ये सब बातें। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन को RBI का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये कब मनाया गया बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने। तो ये 1 अप्रैल 2019 को RBI का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली हुआ क्या था, 1 अप्रैल 1935 को ही RBI की स्थापना हुई थी, तो उसी के उपलक्ष में 1 अप्रैल 2019 को RBI का 84वां स्थापना दिवस मनाया है। क्लियर है ये बातें। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ICC का CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है ICC का CEO? तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे, ये नियुक्त किया गया है मनु साहनी को, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली मनु साहनी को नियुक्त किया है, लेकिन ये अभी इन्होंने अपना पदभार नहीं संभाला है। ये कब से अपना पदभार संभालेंगे? 1 जुलाई से अपना ये पदभार संभालेंगे। तो ठीक है, क्लियर है ये सब बातें। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रॉयल इनफील्ड के CEO बने हैं? तो कौन बने हैं रॉयल इनफील्ड के CEO? बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे। तो ये बने हैं विनोद दसारी, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन बने हैं? विनोद दसारी ये रॉयल इनफील्ड के CEO बने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पे येवनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2019 का समापन हुआ? कहाँ पे हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। और इसका कहाँ पे समापन हुआ? इसका समापन हुआ नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने ICC टेस्ट चैंपियनशिप का गदा जीता है? तो किस देश ने जीता है बताइए, मैंने यहाँ चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो ये जीता है अपने देश भारत ने, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लगातार तीसरी बार ये ICC टेस्ट चैंपियनशिप का गदा अपने देश भारत ने जीता है। पहले नंबर पे भारत है, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड है और थर्ड नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखें और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर गेस जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि वीकली करंट अफेयर की टेस्ट है। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में बताने लगा तो 1-1.5 घंटे के आसपास ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2019 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बताइए, कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2019 में? तो टोटल 25 मेडल जीते हैं, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन 25 मेडल में 16 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने इंडिया ने जीते हैं। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी ताइवान की कैपिटल ताइपे में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बंद करने की घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है, तो बताइए। मैंने चार ऑप्शन भी दे रखे। इसका सही आंसर है ग्वाटेमाला, हेंडुरास, अल सोलवाडोर। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब ये जो अमेरिका ने क्यों बंद की, कि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि इन तीनों देशों से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में आते हैं, इसीलिए अमेरिका ने इन तीनों देशों को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी उसको बंद करने की घोषणा की। और मैंने क्वेश्चन बताया था जो एक ग्वाटेमाला है, हेंडुरास है, अल सेल्वाडोर है, इन तीनों देशों को नॉर्दर्न ट्रायंगल भी बोला जाता है। ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक यूपीआई के लिए शुल्क लगाने वाला बैंक बना है? तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने, तो ये कौन सा बैंक बना है? ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप एक महीने के अंदर 30 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर आप 31वां ट्रांजैक्शन जैसे करोगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। और ये स्टार्ट करने वाला पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी को इनफ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस मिला है? तो बताइए, मैंने चार ऑप्शन भी दे रखे। और किस कंपनी को मिला है इनफ्लाइट कनेक्टिविटी का लाइसेंस? तो ये मिला है BSNL को। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। BSNL की ब्रांड एम्बेसिडर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? वो है MC Mary Com। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की कंधमाल हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो बताइए, मैंने चार ऑप्शन भी दे रखे। कहाँ पे पाई जाती है कंधमाल हल्दी? ये पाई जाती है ओडिशा में। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप वो पुराने जो मेरे वीडियो है अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक के, वो वीडियो देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सिंधु नदी पर किस नाम से सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया है? तो बताइए, मैंने चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। ये किस नाम से बना है सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज? ये बना है मैत्री ब्रिज के नाम से। यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको टोटल 40 दिनों में बनाया है और इसकी लेंथ कितनी है? 260 फीट इसकी लेंथ है। क्लियर है। तो चलिए अब चलते अपन अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च करने वाला देश बना है? तो बताइए, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है तो आप टिक करके आएंगे दक्षिण कोरिया। और पहला जिला अगर पूछा जाए, पहला जिला वगैरह पूछा जाए या पहला शहर पूछा जाए तो आप टिक करके आएंगे संघाई। तो यही थी हमारी वीकली करंट अफेयर की टेस्ट। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी ने एंजॉय किया होगा और आंसर भी सही सही किए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपना लास्ट में स्कोर जरूर बताइए, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको उसमें कितना समझता है, आप कितने आंसर गेस कर पाए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना मत भूलना प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।